टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ हमलावरों ने नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे सजिद नाम के युवक पर मस्जिद के पास ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें साजिद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना पर बुलंदशहर SSP समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमलावरों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी गई। पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं घटना में खूर्जा गेट चौकी इंचार्ज की लापरवाही पाए जाने पर SSP ने चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह की ओर से दावा किया जा रहा है कि घटना में शामिल बाकी आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर उस वक्त की है जब हमलावरों ने मस्जिद के बाहर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था। बताया गया कि घटना के दौरान 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। आज दिन में लगभग 2 बजे के आसपास सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हत्या की एक घटना हुई है। ये साजिद नामक युवक जो 24 साल जिसकी उम्र थी और ये मस्जिद से नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहा था, वहीं पर उसी मोहल्ले के रहने वाले उसी समुदाय के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। सामान्य मारपीट के बाद फिर उसके ऊपर फायर कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभियोग नामजद पंजीकृत हुआ है जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है तथा लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या मौके पर नहीं है। फिलहाल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनवरत प्रयास। हालांकि बुलंदशहर पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि रंजिश घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस अधिकारी जल्द घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का दावा कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।